नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर पूछताछ करेगा। ये पूछताछ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन JKCA में हुए 94.6 करोड़ रुपए के घोटाले से संबंधित मामले में होगी। इस मामले में ईडी पहले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से दो बार पूछताछ करने के अलावा उनकी संपत्ति को भी अस्थायी तौर पर अटैच कर चुका है। JKCA के चेयरमैन पद पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वर्ष 2001 से 2012 तक लगातार विराजमान रहे हैं। उनके चेयरमैन रहते हुए ही वर्ष 2004 से 2009 के बीच JKCA में वित्तीय घोटाला हुआ था। वर्ष 2002 से दिसंबर 2011 तक JKCA को BCCI से करीब 112.33 करोड़ रुपए की निधि प्राप्त हुई थी।